प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए। रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। बचे हुए 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अंबिका सिंह देव को बैकुंठपुर सीट से टिकट मिला है, वहीं कुलदीप जुनेजा को रायपुर उत्तर से मिला टिकट। तो आपको बता दें, चतुरी नंद को सरायपाली से उम्मीदवार बनाया गया है और महासमुंद से डॉक्टर रश्मि चंद्राकर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके अलावा संदीप साहू को कसडोल से टिकट मिला है, तो कुलदीप जुनेजा को रायपुर उत्तर चुनावी मैदान से, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। वहीं अंबिका काम को सिहावा से टिकट मिला है और ओमकार साहू को धमतरी से प्रत्याशी बनाया गया। देखिए, बचे हुए नामों पर मंथन चल रहा था और अब क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी करना होता है, ऐसे में अब ये सूची सामने आ चुकी है। तीसरी लिस्ट में 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है और अब अपने सभी पत्ते कांग्रेस खोल चुकी है। मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। मोहित, देखिए, कांग्रेस की ओर से अब तीसरी सूची जारी हो गई है, बचे हुए 7 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस की ओर से अब कर दिया गया है, जो कि अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अब पूरी तरह से हो गया है। आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी और ये जो 7 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, कैसे ये प्रत्याशी, कितना कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है? देखिए, बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प यह है कि इन 7 प्रत्याशियों में से 4 लोगों के टिकट काट दिए गए हैं। इसमें अंबिका सिंह देव और जो जुनेजा हैं उनको ही टिकट रिपीट किया गया है, बाकी 4 लोगों के टिकट काट दिए गए हैं। पहले 83 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी और अब 7 उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने के बाद जो असेंबली 90 की होती है, यानी सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, सबको मैदान में उतार दिया गया है और अब जो है अब सभी प्रत्याशियों को अपने जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर जो है अब मेहनत करने की जरूरत है, पसीना बहाने की जरूरत है और इसको लेकर जो है कांग्रेस ने मुकम्मल तैयारी छत्तीसगढ़ के भीतर कर ली है। कल भूपेश बघेल के साथ हमने उनके विधानसभा क्षेत्र का जो है रिपोर्टिंग की थी, उनके साथ हम गए थे, कल मंदिर मंदिर दौड़ते हुए नजर आए थे और उनसे हमने जब बातचीत की तो उनका यह कहना था कि जरूरत यह है कि जो हमने 5 सालों के भीतर छत्तीसगढ़ के अंदर काम किया है उसको जनता तक पहुंचाया जाए, लेकिन कैसे पहुंचाया जाएगा इसको लेकर भी कांग्रेस ने वॉर रूम बनाया है। 70 लाख के आसपास जो मतदाता हैं, हितग्राही हैं, उन तक पहुंचने की जो है मुकम्मल तैयारी की गई है। इसके अलावा देखिए, जो पहले फेज का मतदान होना है, पहले फेज में बस्तर और दुर्ग संभाग के भीतर होना है, 20 सीटों पे मतदान होना है, वहां की ओर लेकर भी तैयारियां जो है बनाई की जा रही है। तैयारी ये की जा रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियों का आयोजन किया जाएगा और बस्तर के उन इलाकों में किया जाएगा जहां पे कभी 1972 में इंदिरा गांधी गई थी, अबूझमाड़ के इलाके में जब कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो उस इलाके में भी इंदिरा गांधी का बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो इंदिरा गांधी को भी याद करते हुए वहां पे चुनाव प्रचार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सोनिया गांधी भी उन इलाकों में जा चुकी है। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर जो 5 सालों के भीतर काम किया गया है, चाहे किसानों के मद्देनजर हो, महिलाओं के मद्देनजर हो, युवाओं के मद्देनजर हो, दलित आदिवासियों के मद्देनजर हो, जो काम किया है उन कामों को लेकर जनता तक जाएंगे, मतदाताओं तक जाएंगे और बताएंगे कि हमने जो काम किया है उस पर ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल मोहित, और अब देखिए, क्योंकि अब सारे पत्ते, सभी पत्ते कांग्रेस खोल चुकी है, अब समझने वाली बात यह है, जरा विश्लेषण कीजिएगा। तीनों लिस्ट सामने आ चुकी है, सूची में सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। तीसरी सूची की बात करें, रायपुर उत्तर से जुनेजा को खड़ा किया गया मैदान में, जिन्हें पहले भी मैदान में उतारा जा चुका है, और इसके अलावा अंबिका जिन्हें टीएस सिंहदेव का खास माना जाता है, ऐसे में इस बार सूची में क्या अंतर, पुराने अगर 2018 की सूचियों की बात करें, इस बार क्या अंतर, क्या अलग और क्या अलग रणनीति आप देख रहे हैं? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी ने कई प्रकार के सर्वे करवाए थे और सर्वे के आधार पर ही जिनका परफॉर्मेंस बेहतर था उसके निर्वाचन क्षेत्र में उसको ही टिकट दिया गया है। और इस बार सर्वे जो है पार्टी ने तो करवाया, इकाई राज्य की पार्टी इकाई ने करवाया, उसके बाद सेंट्रल इकाई ने भी कराया था, तो दोनों सर्वे जब मैच हुए हैं उनको ही टिकट दिया गया है। इस बार कोशिश यही है कि जो जिताऊ होगा, जो टिकाऊ होगा, जो पार्टी की विचारधारा से लंबे वक्त से जुड़ा होगा उसको ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी लगातार, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार
बात कहते रहे कि ओबीसी समुदाय की भागीदारी उतनी होनी चाहिए जिनकी जितनी उनकी आबादी है, दलितों की भागीदारी उतनी होनी चाहिए जितनी उनकी आबादी है, आदिवासियों को लेकर भी जो है एक बड़ा फैक्टर छत्तीसगढ़ के भीतर दिखाई देता है, तो उनको भी सामाजिक स्थिति को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो है एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। लेकिन यह भी बड़ा दिलचस्प है और यह भी गौरतलब है कि 22 उम्मीदवारों के यानी 22 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, यानी 22 लोगों को मौका दिया गया है। 90 की असेंबली में से 22 लोगों के टिकट काटा जाना ये बहुत बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये दाव खेला है और देखने वाली बात यही होगी। लेकिन हमने जब ये सवाल पूछा कि 22 लोगों का आपने टिकट काट दिया, 22 विधायकों का टिकट काट दिया, तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम यही चाहते हैं कि जिनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, जो बेहतर होंगे जो है उनको ही हमने टिकट। बिल्कुल निश्चित ही, यानी कि कुल मिलाकर मोहित बिल्कुल रिस्क कांग्रेस लेती नजर नहीं आ रही है और इस वजह से सोच समझकर नामों का ऐलान किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देखिए आज सख्ती दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर 1 बजे रायपुर